और राइट गाइस, तो फर्स्ट कस्टमर अपने शोरूम के अंदर आ चुका है एंड ये गाड़ी देखने के लिए गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि ये इसको कितने में गाड़ी लेनी। भाई ये देखो स्माइली तो देखो, लेकिन एक सेकंड भाई, ए जा कहाँ रहा है, अबे गाड़ी तो लेके जा। हेलो व्हाट्सअप गेमर्स, यार कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं कार डीलर जॉब सिमुलेटर। तो गाइस यार, जो लोग इस गेम के बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि ये गेम कार फॉर सेल सिमुलेटर का सस्ता एंड्रॉइड वर्जन है। अब जो लोग रियल वाला कार फॉर सेल सिमुलेटर नहीं खेल सकते, वो इस एंड्रॉइड वर्जन से काम चला सकते हैं और पूरे तो नहीं बट थोड़े बहुत मजे ले सकते हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर का। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं एंड भाई इसका म्यूजिक तो कुछ ज्यादा ही लाउड है, फटाफट से इसको थोड़ा सा बंद करते हैं। अरे भाई सेटिंग ओपन हो जा यार, ये सेटिंग क्यों नहीं काम कर रही है। हाँ काम कर रही, तो अभी फटाफट से भाई म्यूजिक तो बहुत ज्यादा लाउड है, तो अभी इतना म्यूजिक रखते हैं इतना सही रहेगा। एंड अभी एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, नहीं ठीक है इतना ठीक है, अभी एक काम करते हैं भाई, ग्राफिक क्वालिटी को एकदम हाई करो भाई। एंड यहाँ पे FPS वगैरह सब कुछ ठीक है, FPS अच्छा ठीक है, सबको सही है। एंड यहाँ करते हैं फटाफट से सेव एंड गेम को करते हैं स्टार्ट एंड देखते हैं कि गेम के अंदर क्या होने वाला है। वैसे इसका इंट्रो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें खेलने का तरीका बताया जा रहा है जो कि हम लोग नहीं जानने वाले, क्योंकि हमें सब कुछ पता है पहले से। ठीक है, तो अभी शायद से ये हमारा शोरूम होने वाला है। भाई साहब शोरूम तो काफी ज्यादा लग्जरी लग रहा है भाई, और ये देखो तो शहर के बीचों बीच में, भाई शहर भी काफी ज्यादा अमीरों वाला लग रहा है यार, यानी कि हम लोग काफी ज्यादा अमीर होंगे। एंड हमारे ये देखो बैंक बैलेंस आप लोग देख सकते हो भाई, कितने ज्यादा पैसे मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूं। अभी हम लोग फटाफट से यहां पे चलते हैं एंड यहां, अच्छा भाई साहब हमें लग रहा था कि ये हमारा है, बट नहीं भाई, इसको लेने के लिए हमें ये परचेज करना पड़ेगा $50,000 का। तो अभी फटाफट से परचेज करते भाई, शोरूम का मतलब साउंड तो काफी ज्यादा आई शोरूम परचेज करने पर, बट यहाँ पे अभी हमें अपना नाम एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है हम लोगों ने इतना महंगा लग्जरी शोरूम लिया तो नाम तो डालेंगे ना। तभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एम्पायर लिखते हैं एंड एम्पायर शोरूम डाल लेते हैं, क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा सही लगता है और ये मैंने पहले से भी सोच के रखा था। एंड भाई फाइनली अभी ये वाला शोरूम जो है अपना हो चुका है, हम लोगों ने परचेस कर लिया है एंड जब मर्जी हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। वैसे एक सेकंड, मैं इसके अंदर जाने से पहले थोड़ा सा चक्कर मार के देखना चाहता हूँ आसपास का इलाका कि हम लोग आखिर हैं कहाँ पे। भाई यार काफी ज्यादा मस्त लग रहा है ये लोकेशन। भाई ये देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एंड ये ओ भाई नेशनल बैंक भी है यहाँ पे, यानी कि हम लोग यहाँ पे जितना मर्जी लोन वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि हमें लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ती रहेगी। भाई हमारे पास कार शोरूम है, अभी फटाफट से हम लोग एंटर करते हैं अपने कार शोरूम के अंदर। एंड भाई साहब ये देखो यहाँ पर भी एम्पायर शोरूम का नाम लिख के आ चुका है जो कि हम लोगों ने अभी लिखा था, और यहाँ पे शायद से अपना कंप्यूटर रखा हुआ है एंड यहीं पर हमें काम करना है अपना, यानी कि ये हमारा कोने में एक छोटा सा ऑफिस है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर काम देखते हैं। तो कंप्यूटर में ये देखो कंप्यूटर के अंदर आ चुके हम लोग, और यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी, शायद से हम लोग यहाँ पे अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे सेडान कार का कलेक्शन है, इसके अंदर हमें कार परचेज करनी है सस्ते दाम में एंड इन्हें मॉडिफाई वगैरह करके इन्हें महंगे दाम में बेचना है। तो अभी रुको एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तो अभी हमारे पास $10,000 है एंड इतने से हम लोग क्या कर सकते हैं यार, अभी देखते हैं कंप्यूटर के अंदर ही चेक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हमें पता चलेगा। अभी यहाँ हम लोग चलते हैं लग्जरी सेडान और सुपर कार। भाई यार यहाँ पे काफी ज्यादा महंगी गाड़ियां रखी हैं। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग है $14,000 से और अपने पास $10,000 है, और यहाँ पे यूज्ड ऑटो शॉप लिख के आ रहा है। यहाँ पे तो यार काफी ज्यादा महंगी गाड़ी है भाई, एक सेकंड मेरे को कोई बताएगा कि मैं गाड़ियां खरीदूं कहां से, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां और इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अपने इस शोरूम के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे विलियम और भाई तीनों का एक ही नाम है, तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं। शायद से यहाँ पे कुछ चोरी वोरी का भी सीन होने वाला क्या, वैसे ये क्या है ऊपर की साइड में भी सीढ़ियां दी रखी है, तो ऊपर चल के देखते हैं। ओ एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे जाने के लिए रोका गया है, यहाँ पे 2,00,000 का मैं अपग्रेड करूंगा तब ऊपर जाने को मिलेगा, अच्छा समझ गया मैं। एंड यहाँ पे 50,000 का अपग्रेड करूंगा तब मैं उस साइड में जाने को मिलेगा हमें। तो अभी यहाँ पे ये रेड नंबर मतलब शोरूम इज क्लोज्ड, अच्छा हाँ क्लोज तो होगा क्योंकि अपने पास कोई कार ही नहीं है यार। लेकिन एक सेकंड मेरे को कोई बताएगा कि मैं गाड़ियां कैसे खरीदूं, मतलब मेरे को गाड़ियां तो कोई बेचे तभी तो मैं शोरूम ओपन करूंगा। वैसे ये क्या, ये अपना ऑटो वर्कशॉप है एंड यहाँ पे हम लोग गाड़ियों को मॉडिफाई वगैरह करवा सकते हैं। भाई अभी फटाफट चलते हम अपने शोरूम के अंदर। यार गाड़ियां मैं कहाँ से खरीदूं यार, अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यार भाई मेरा दिमाग खराब होने वाला है। भाई हम लोग लग्जरी शोरूम परचेस करके आ चुके हैं बट हमारे पास बेचने के लिए गाड़ियां ही नहीं है। तो हम लोग कंप्यूटर के अंदर वापस चलते हैं, देखते हैं अबे यहाँ पे एक और गाड़ी ऐड हो चुकी है जो कि $26,000 की। भाई इतने पैसे नहीं है अभी कमाने तो दो, उसके बाद मैं खरीदूंगा सब महंगी महंगी गाड़ियां सब खरीदूंगा। अभी यहाँ पे बाय और कार, यार यहाँ पे मैं आ तो गया हूँ बट यहाँ पे सुपर कार है, लग्जरी सेडान है एंड सेडान के अंदर जाओ तो यार अरे भाई मैंने देखा ही नहीं, ये देखो यहाँ पे गाड़ियां हैं यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तभी यार यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदते हैं फटाफट से, तो अभी फटाफट से ये वाली गाड़ी परचेस कर लेते हैं। एंड यहाँ पे लिख के आ चुका है गाड़ी परचेस हो चुकी है और पार्किंग
पार्किंग में खड़ी है। तो अभी देखते हैं यार पार्किंग में कहाँ पे खड़ी है गाड़ी। अबे गाड़ी तो आई नहीं, चूना लगा दिया क्या पीछे है क्या? अरे ये वही गाड़ी है क्या भाई? लग तो नहीं रही है भाई, मैंने रेड कलर की खरीदी थी, ब्लैक कलर का कहाँ से आ गया? हाँ हाँ ये हमारी गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे कार फॉर सेल ये भी कुछ आ रहा है एंड गैराज में भी हम लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं। बट पहले हम लोग गाड़ी के अंदर बैठेंगे क्योंकि हम लोग इसको चलाकर देखने वाले भाई यार। तो गाइस अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ एंड अभी फटाफट से चला के देखते हैं। तो अभी मैं चला के देखता हूँ। ओ भाई साहब ये गाड़ी तो अपनी चलने लग गई है बट यार कुछ खास मजा आ नहीं रहा है क्योंकि एकदम सस्ती सी गाड़ी है ना। बट यार मजा तो आ रहा है भाई, चलाने में तो मजा आ रहा है। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा सिटी में चक्कर मार के आते हैं। एक सेकंड भाई, अरे यार नुकसान हो जाएगा यार, अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी अपना नुकसान हो जाए यार। और ये गाड़ी मैंने अटका दी क्या भाई? यार अब तो लग गया भाई, हो गया नुकसान। ओ भाई साहब यार नुकसान हो गया, मैंने नुकसान ही करा दिया भाई, आते ही नुकसान कराया मैंने। अच्छा मेरे को कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ से अपने कार फॉर सेल के लिए भेज सकता हूँ। यार मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ, इस साइड से मैं आया था ना। हाँ हाँ साइड से मैं इधर की साइड से ही आया था। तो अभी फटाफट चलते हैं और इधर की साइड में पतला सा रास्ता दिया हुआ। ये अपना घर है क्या भाई? ये देखो यहाँ पे होम का सिंबल आ रहा था, अभी गायब हो चुका। ये देखो भाई ये अपना घर है शायद से। तो चलो एक बार ये घर का चक्कर काट के आते हैं, देखते हैं घर के अंदर क्या माहौल है। ये देखो भाई ये अपना घर है। अरे यार कहाँ टक रहा हूँ मैं? ओ भाई साहब अपना घर भी है यार यहाँ पे। मेरे को लगा था कि हम लोग शोरूम के अंदर ही सोने वाले हैं। यहाँ पे टीवी वगैरह भी है और पीसी भी है। अबे ये क्या होगा? अरे वाह भाई सही टाइम पे हम लोग घर पे आ गए। ये देखो यहाँ पे सोने का टाइम भी हो चुका है, तो अभी फटाफट से हम लोग सो जाते हैं। भाई सही टाइम पे तुम्हारा भाई घर पे आ गया था। अभी फटाफट से यहाँ पे सो के उठते हैं और चलते हैं काम पे, क्योंकि अभी हमारे पास $5,500 पड़े हुए हैं और हमें इन्हें बहुत ज्यादा कमाना है, पूरे $5,00,000 कमाने भाई। यहाँ पे बंदे तो देख रहे हो भाई, कितने अमीर अमीर बंदे यही सब आके अपनी गाड़ियां परचेस करने वाले भाई। और एक सेकंड मेरी गाड़ी कहाँ गई यार? यहाँ के सर्विस तो बहुत ही घटिया है भाई, मेरी गाड़ी ही चुरा ली क्या भाई? यार अब तो यार आते ही अपना चूना लगा है, बहुत लंबे वाला चूना लगा है। स्पॉन बेस, ये स्पॉन बेस क्या है? यहाँ पे कलेक्शन और ये सब पता नहीं क्या महंगे महंगे। अच्छा आई थिंक इसके ऊपर हम लोग गाड़ियों को स्पॉन कराने वाले हैं, तो अभी हम लोग इसको लगा देते हैं इस साइड में। रुको रुको एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे आगे लगाते हैं। अबे भाई रेड होने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा पीछे होते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट से। एंड अभी यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे कार्स के अंदर चलते हैं एंड यूज्ड कार्स। अरे यार मेरी गाड़ी कहाँ गई? मतलब मैंने जो परचेज करी थी यार वो कहाँ चली गई? तो अभी गाइस कोई ना, अपनी एक गाड़ी का चूना लग चुका है। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, शोरूम को कर देते हैं ओपन। बट यार रुको एक सेकंड, पहले यहाँ पे कोई गाड़ी खरीद के लगाते हैं यार, क्योंकि अपने पास गाड़ी भी तो होनी चाहिए, वरना पता चले कस्टमर आ रहा है और उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यार यहाँ पे सस्ती सी गाड़ी खरीद के मेरे को लगानी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे 4,050 यार, यही तो मैंने परचेस करी थी क्या? अच्छा ये वही गाड़ी थी जो मैंने परचेस करी थी, अब मेरे को समझ में आ गया। ये 4,050 मेरे को उसका प्राइस बता रहा है कि कितने प्राइस में मैंने खरीदी थी। तो यहाँ पे $4,050 लिखे हुए हैं, तो अभी हम लोग इसको बेचने। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ रेंज, यानी कि इसको हम लोग 3645 से $8,060 तक बेच सकते हैं, यानी इससे महंगे हम लोग नहीं बेच सकते। तभी हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा डाल देते हैं जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग डालते हैं 4860। यहाँ पे ऑटो सेल टिक करा हुआ है क्या? इसको अनलॉक करते हैं भाई, पता चले सस्ते में ही मेरी गाड़ी निपट गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी सेल पे तो लगा दी, अभी फटाफट चलते हैं इसको ओपन करते हैं, मतलब अपने इस शोरूम को ओपन करते हैं, वरना कस्टमर ही नहीं आएगा। अरे क्या हो रहा है भाई, ओपन कर दे। अरे फर्स्ट पे बिल्स टू ओपन शोरूम, भाई अभी आए हुए मेरे को एक दिन भी नहीं हुआ ढंग से, वैसे एक दिन तो हुआ है, बट यार अभी से ही बिल कहाँ से पेमेंट करने के लिए बोल रहे हो? हेलो यार पेमेंट कर देते कंप्यूटर में कुछ तो। अच्छा ये देखो यहाँ पे 500, भाई यार लूट रहे हो तुम लोग भाई, लूट लो अच्छी बात है भाई, अभी किस्मत खराब है अपनी, लूट लो भाई, अभी एक टाइम आएगा तो मैं लूटूंगा तुम लोगों को। ये एक अच्छी बात है कि अपना शोरूम ओपन हो चुका है और फाइनली अपने शोरूम में एक गाड़ी भी आके खड़ी हो चुकी है, अभी हम लोगों को बस वेट करना है कस्टमर के आने का। तो अभी निकल के देखते हैं बाहर कोई कस्टमर आ रहा है कि नहीं। अरे भाई कोई आ जाओ गाड़ी लेने के लिए, ये कस्टमर है क्या अपना? पता नहीं यार, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट कस्टमर अपने शोरूम के अंदर आ चुका है एंड ये गाड़ी देखने के लिए गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि ये इसको कितने में गाड़ी लेनी है। भाई ये देखो स्माइली तो देखो, लेकिन एक सेकंड भाई ए जा कहां रहा है? अबे गाड़ी तो लेके जा, देखता हूँ मैं इसने कितना प्राइस लगाया है भाई। 4,538। चल निकल भाई, मेरे को गाड़ी नहीं बेचनी भाई, मैंने 4,800 लगाया हुआ है और वो 4,500 दे रहा है भाई, मेरे को नहीं बेचनी, तू जा यार यहाँ पे दूसरा कस्टमर आने दो भाई। इतने सस्ते में थोड़ी नहीं बेचनी कि फर्स्ट कस्टमर आ गया तो मैं सस्ते में निपटा दूंगा। नहीं नहीं भाई, अभी अपने पास पैसों की कमी है, एक बार ही पैसे हो गए तो मैं सस्ते में तो छोड़ो फ्री में भी दे दूंगा। बट यार यहाँ पे शायद ये दूसरा कस्टमर है अपना, देखते हैं वेट करके देखते हैं। अबे वाह भाई ये कस्टमर ही था अपना, फटाफट चलते अंदर। यहाँ पे कस्टमर आया, देखते हैं यार।
अरे भाई कस्टमर रात के टाइम पे आया यहाँ पे, नीड टू स्लीप यार, फिर से सोने का आ चुका है, तो अभी मेरे को सोना पड़ेगा। बट इस कस्टमर को आई थिंक पसंद नहीं आई गाड़ी, तो इसलिए मुंह बना के जा रहा है। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग फटाफट से सोने के लिए चलते हैं। एक सेकंड यार, इसको मैं बंद कैसे करूं? रुको एक सेकंड, वरना कस्टमर तो आते ही रहेंगे। मैं काम करता हूं, यहां से कर देता हूं इसको बंद, वरना रात में भी कस्टमर आते रहेंगे। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने घर पे सोने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं सोने के लिए, तो अभी फटाफट से सोते हैं बेड के ऊपर लेट के। ये क्या बोल रहा हूं मैं, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग सो के उठ चुके हैं, अभी फटाफट चलते हैं अपने शोरूम में। भाई आज बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं अपने को, और जितनी गाड़ी हो सकती है हम लोगों को बेचना, क्योंकि हमारे पास $50,000 थे, मतलब $60,000 थे, एंड हमें उन्हें वापस लेना है, जो कि हमें ये शोरूम परचेस करने में खत्म हो गए, और यहाँ पे गाड़ी परचेस करने में भी खत्म हुए। तो यहाँ पे फटाफट से इसको करते हैं ओपन। अबे यार फिर से बिल, यार मेरी कमाई 1 रुपए की नहीं हो रही है, और ये लोग डॉलर करके मेरे बिल लपेट रहे हैं। ये देखो यहाँ पे फिर से इसको $5,000 देना है यार, 5,000 नहीं भाई, मैं क्या बोलूं यार, $500। भाई यार अभी फटाफट से ओपन करते हैं, आई होप आज कोई अच्छा कस्टमर आ जाए, और इसको जितने रेट मैंने डाला हुआ है ना, इतने रेट में बेच रहे यार, फिर मैं दूसरी गाड़ी खरीद के लगाऊंगा यहाँ पे। अभी थोड़ा सा वेट करके देखते हैं, शायद से कोई कस्टमर आ जाए यार, अच्छा महंगा वाला। आई थिंक वो अपना कस्टमर नहीं, वो कस्टमर नहीं है। तो अभी गाइस जब तक कोई कस्टमर नहीं आता, तब तक चल के बैंक होके आते हैं, देखते हैं बैंक के अंदर क्या सीन है। वेल यहाँ पे ATM लगा हुआ है, एंड यहाँ पे एरो कुछ तो शो हो रहा है। मैं यहाँ पे खड़े होकर देखता हूँ, करंटली बैंक इज नॉट गिविंग एनी लोन। अच्छा यहाँ पे बैंक से लोन ले सकते हैं, बट अभी कोई लोन नहीं दे रहा है। यहाँ पे नेशनल बैंक लिखा हुआ है, बट एक सेकंड यार, कस्टमर तो नहीं आया। भाई कस्टमर आ चुका है, पहले यार बैंक जाने से पहले हम लोग कस्टमर को मिलके आते हैं। अभी एक कस्टमर अच्छा खुश होके तो गया है, बट यहाँ पे इसने, ओ भाई जितने रुपए मैंने लगाया था उतने में बिक रही गाड़ी, भाई फटाफट से एक्सेप्ट करते हैं यार। ओ भाई फाइनली अपनी पहली गाड़ी बिक चुकी है, और अपने पास जितने भी डॉलर मैंने कमाए सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। अभी फटाफट से काम करते हैं, यहाँ पे और भी गाड़ियां खरीदते हैं और लगाते हैं भाई इनको फटाफट से बेचने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे पास $8,000 है, तो हम लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं भाई, ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, रेसिंग व्हील वाली, एंड इसका अमाउंट हम लोग डालते हैं 7,200। ठीक है, फटाफट से इसको लिखते हैं एंड इस गाड़ी को लगाते हैं बेचने के लिए। एंड उसके बाद भाई ये गाड़ी बिक गई ना, तो अगली गाड़ी हम लोग मॉडिफाई करके बेचने के लिए लगाएंगे। तो गाइस यार जब तक ये गाड़ी बिकने के लिए कस्टमर आते, तब तक हम लोग फटाफट चल के बैंक होके आते हैं। बट वेट भाई, इधर एक सेकंड, ये इतना सारा ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? देख के आते हैं भाई, यहाँ पे कुछ मामला हुआ है क्या? मतलब इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? अच्छा ये पार्किंग है यार, मैं वही सोचूं कि यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक क्या कर रहा है। फिलहाल चलते हैं अपने बैंक के लिए, और बैंक के अंदर देखते हैं कि क्या सीन है, बैंक में कुछ लोन वोन देंगे कि नहीं। अगर लोन देते ही तो ले लेते हैं थोड़ा बहुत। और ये ओ अच्छा, इधर सोफा है बैठने बैठने के लिए, देखते हैं यार बैठ सकते हैं कि नहीं। भाई कस्टमर आ चुका यार, अरे यहाँ पे मैंने कुछ तो देखा यार, पता नहीं मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। बट वेट, कस्टमर आ चुका है, तो पहली प्रायोरिटी हम लोग कस्टमर को देंगे, पहले चल के कस्टमर से मिल के आते हैं। अरे अबे भाई कस्टमर कहाँ है? अच्छा कस्टमर अपना ऑर्डर लगा के चला जा चुका है, मतलब ऑफर दे के गया है। और भाई यार ये कितनी अच्छी किस्मत है भाई, जितना का मैंने लगाया था उतने की बिक रही है। तो अभी फटाफट से एक्सेप्ट करते हैं, और ये देखो भाई फटाफट से हम लोगों ने आज के दिन में 2 कार बेच दी भाई। बार बार भाई बोल रहा हूँ, आप लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा, बट यहाँ पे अब हम लोग एक थोड़ा महंगी गाड़ी खरीदने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे आ चुके हैं। बट हम लोग ऐसे नहीं खरीदने वाले, हम लोग कंप्यूटर से खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदते हैं एक मस्त वाली गाड़ी। तो यहाँ पे रेसिंग टीम करके एक गाड़ी है कोई, तो 10,000 की जो हमने परचेज कर ली भाई, क्लिक करते ही परचेज हो रही है। मतलब कि यार अगर गलती से क्लिक हो गया तो अपने सारे के सारे पैसे जा चुके हैं। एक सेकंड, अच्छा आ गई, वही मैं कहूँ गाड़ी कहाँ चली गई, क्योंकि ऊपर की साइड में मेरे पैसे तो शायद से कटे नहीं, पता नहीं कटे कि नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अभी गाड़ी के अंदर फटाफट से बैठते हैं और इसको ले चलते, नहीं बैठने की कोई जरूरत नहीं यार, नहीं बैठ के ही चलते हैं। भैया मेरा चलाने का मन कर रहा है, ये थोड़ा महंगी गाड़ी लिए, तो अभी हम लोग चला के, अरे भाई चल दे, हाँ चलो। अरे यार पहले भाई मैं ठोक देता हूँ पहले, यार मेरे को गाड़ी चलाना भी नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे, ओ यार लाते ही मैंने दोबारा से इसको ठोका है भाई। यार आई होप ज्यादा खर्चा ना है वो। अभी एक काम करते हैं, मैं गाड़ी से निकलता हूँ, कि मेरी बस की नहीं भाई इस गेम के अंदर गाड़ी वाड़ी चलाना। अभी फटाफट से इसको डायरेक्ट मैं गैराज के अंदर रखवा देता हूँ यार, इतना इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे हम लोग टायर के अंदर चल के थोड़ा सा अलॉय वगैरह चेंज करवाते हैं, ये वाले लगवा के। ओबे भैया लग गए क्या तुरंत? हम लोग पेंट इसका बदल सकते हैं, और मैं इसको ओ भाई येलो करने वाला हूँ। और अच्छा हम लोग घुमा कैसे पेंट कर सकते हैं, वाह भाई क्या मस्त सीन है। फटाफट से इतना डन करते हैं और गाड़ी को ले चलते हैं बेचने के लिए। इसके ऊपर गाड़ी को ऐड करना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं यहाँ पे और कार्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे यूज्ड कार में। और ये अपनी गाड़ी है भाई साहब, $10,750 के हो चुके, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी मॉडिफाई भी करी है उसको। हम लोग भाई यार ये लोग ज्यादा बेचने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं इसको पूरा 20,000 का बेचने वाला था, बट ये लोग दे ही नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं। हम लोग 12,900 का बेच सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से और फटाफट से करते हैं डन, और देखते हैं कि यार ये गाड़ी कितनी देर में बिकने वाली है। गाइस यार मैं सोच रहा था कि वेट करने से अच्छा कि बैंक चलते हैं, और भाई कस्टमर भी अपना आ चुका है, बट इस बार हम लोग बैंक आए हैं तो अच्छे से मिलके ही जाएंगे, सबको देख वेख के जाएंगे। और यहाँ पे ये बंदे अपना मस्त काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं? भाई ये बैंक ही है ना, और यहाँ पे बहुत सारे
सारे लोग हैं और ये शायद से मेन ऑफिस है, यहाँ पे मैनेजर वगैरह तो है ही नहीं। अभी यार अपना कस्टमर आके गया होगा, अपना ऑफर वगैरह लगा के गया होगा, तो अभी फटाफट चलते अपने शोरूम पे। ओ भाई साहब, जितनी की गाड़ी हमने लगाई थी उतनी की गाड़ी बिक रही, तो अभी फटाफट से उसको एक्सेप्ट करते हैं। और लो भाई फाइनली हम लोगों ने गाड़ी बेच दी है। और गाइस अभी बहुत हो गया है, अभी हम लोगों ने 3 से 4 गाड़ी बेच दिए और मेरे को नहीं पता कितनी गाड़ी बेची है, वैसे सोने का भी टाइम हो चुका है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार खरीद के लगाने वाले, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग $40,000 हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ज्यादा महंगी लग्जरी कार लगाने वाले हैं, जितने की मतलब जो सी गाड़ी इतने अमाउंट में आ जाएगी वो गाड़ी हम लोग लगाने वाले हैं। तो अभी फटाफट चलते सोने के लिए, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं चलता हूँ फटाफट सोने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।